आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नॉर्मल टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि मैडम मैंने मेरे को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई थी और मैंने डॉक्टर की सलाह से ही किट का यूज़ किया, यानी कि एबॉर्शन पिल का। एबॉर्शन पिल में बहुत सारी टैबलेट्स आती है, जैसे कि अलग अलग नाम की, अनवांटेड, मिफीजेस्टिक, क्लियर, खुशी, गेस्ट्रोप्रो, एक अरे, बहुत सारी ब्रांड की मेडिसिन आती है। सब में 5 टेबलेट होती है, तो जैसा हमको हमारे डॉक्टर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको यूज़ किया, ठीक है। यूज़ करने के बाद में हमारे पीरियड्स भी आ गए, ब्लीडिंग भी अच्छी खासी हो गई, जो प्रोडक्ट निकलना चाहिए वो भी सब निकल गया, ठीक है। पर उसके बाद में जब हमारे पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो हमने 10 दिन बाद या 12 दिन बाद या 5 दिन बाद हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, यानी कि यूएसजी करवाया, स्कैनिंग करवाया, तो उसमें देखा कि भाई डॉक्टर ने बताया कि नीचे इम्प्रेशन में आपको लिख के दे दिया RPVC, यानी कि जो गर्भधारण आपने किया था उसका कुछ अंश या टुकड़ा बच्चादानी के अंदर रह गया है, तो वो अभी साफ नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे में पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो चाहे एक जरा सा टुकड़ा भी बचा हो, तब भी बहुत सारे डॉक्टर RPVC के केसेस में DNC करना ज़्यादा सही समझते हैं, ठीक है। पर बहुत सारी पेशेंट ऐसी भी होती है जो DNC करवाने को एग्री भी हो जाती है। कई सारी पेशेंट को तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के बावजूद भी वो DNC करवाने को एग्री ही नहीं होती है। वो बोलती है कि हमें तो दवाई दे दो, बस दवाई से क्लियर हो जाए, मुझे DNC नहीं करवाना है, मुझे सर्जिकल एबॉर्शन नहीं करवाना है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट पे आप कोई प्रेशर नहीं बना सकते कि भाई आपको तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं आता हूँ डिसाइड करके या घर जाके सोच के, हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। तो फिर ऐसे पेशेंट क्या करते हैं कि वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, उस डॉक्टर के पास वो जाते ही नहीं है कि भाई वो डॉक्टर तो हमें सिर्फ एक ही चीज को लेके बैठा है कि तुमको तो DNC करवाना ही पड़ेगा या सफाई करवाना ही पड़ेगा, बिना सफाई से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर वो पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास में चला जाता है, ठीक है। ऐसे केसेस में उस पेशेंट को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपने टैबलेट खा ली, ब्लीडिंग भी अच्छी खासी हो गई, ठीक है, और आपने अल्ट्रासाउंड करवाया। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में, यानी कि जो स्कैनिंग करवाई उसमें आपका 20 mm, 25 mm, 30 mm अगर क्लॉट्स रह गया है, तो ऐसे में हम कुछ मेडिसिन को देकर के भी उस केस को क्लियर कर सकते हैं, ओके। पर ये डॉक्टर की निगरानी में रह करके, डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते हैं आपको, वो आपको लेना होता है, ठीक है। आपको जब भी पता चला है कि मुझे रिटेंशन प्रोडक्ट बच गया, यानी कि RPVC आ रहा है मेरी रिपोर्ट में, इतने mm का है, आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब मेरा जो RPVC है वो कितने mm है, कितने क्लॉट्स मुझे बच गए, तो डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि इतने या इस साइज के क्लॉट्स आपके हैं, ठीक है। आने के बाद में आपको गर्म चीजें लेना चाहिए, जैसे पपाया, हल्दी वाला दूध, खट्टी चीजें पूरी तरह से बंद करना है आपको। और भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये गर्म चीजें हैं, हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, यानी कि गर्भवती महिलाओं को हम मना करते हैं, बहुत सारी चीजें मनाई रहती है कि ये नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, नहीं तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो सब चीजें कर सकते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, पैर पे बैठ के पोछा लगाना, हल्दी वाला दूध पीना, पपीता खाना, पाइनएप्पल खाना, ठीक है। इसके बाद में पेट में, पेट के निचले हिस्से में, पेड़ों में अगर आपको कहीं दर्द है, तो आप कांच की बोतल में गर्म पानी भर के सिकाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको करना ही है, ठीक। इसके बाद में आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, अगर आप उधर के डॉक्टर आपको मेडिसिन देने को तैयार नहीं है, तो आप हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। आपकी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह देख करके जो भी मेडिसिन आपको लगती है वो हम लोग रिकमेंड करते हैं, आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि भाई अभी क्या करना है, ठीक है। 5-7 दिन की दवाइयाँ रहती है, वो लेने के बाद में आपके ब्लीडिंग फिर से आ जाती है, क्लॉट्स वगैरह सारे निकल जाते, यानी कि साफ हो जाते। उसके बाद में चाहे तो हम फिर से अपना एक स्कैनिंग करवा के देख सकते हैं कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या जो टुकड़े बच गए थे वो मेरे साफ हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरह से विदाउट सर्जरी के भी, यानी कि विदाउट DNC के भी हम RPVC के केस को क्लियर कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के क्लोट्स कितने बच रहे, किधर की कैविटी में है। अगर वो अपर की कैविटी में इधर उधर घुसे हुए हैं,
तो ऐसे में निकलना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो यूटराइन कैविटी में किधर को है, कितने साइज में है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और पेशेंट के क्या कंडीशन है, मान लो अगर थोड़ा सा टुकड़ा है और पेशेंट को ब्लड की कमी हो गई, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे में पेशेंट को डीएनसी करवा लेना ही बेटर रहता है, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद भी किसी किसी पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो फिर इधर पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, डीएनसी में ऐसा रहता है कि इंस्ट्रूमेंट डाल के बच्चेदानी को साफ कर दिया जाता है, उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग का भी कोई खतरा नहीं रहता है, और ना ही आपको 5 दिन 7 दिन या 10 दिन वेट करने का ज़रूरत है कि मुझे ब्लीडिंग कब आएगा, मुझे ब्लीडिंग कब आएगा, या फिर आ गया तो मेरा ब्लीडिंग कब स्टॉप होगा। ये सारे झंझट आपकी निकल जाएगी डीएनसी के बाद में। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि अगर आपको रिटेंश प्रोडक्ट बच गया है, यानी कि आरपीओसी आ रहा है आपकी रिपोर्ट में, तो हम उसको विदाउट सर्जरी यानी कि विदाउट एबोर्शन भी हम मेडिसिन के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है इस पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। उसके लिए वो पेड कंसल्टेशन होता है, क्योंकि उसके लिए आप खुद पर्सनली बात करना चाहते हैं। ठीक है।